साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव पेज पे आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। और फेसबुक से आज बिन बताए वापस लाइव जुड़ रहा हूँ आप लोगों से। और जो युवा साथी मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से, तो उनसे भी अनुरोध है कि फेसबुक पेज से आप जुड़ जाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। जितने भी युवा साथी हैं वो लाइव जुड़े, और मेरा लाइव का जो संवाद है उसका प्रमुख कारण यही है कि बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। रुपेश सिंह जी, मनोज भाई, बिल्कुल राम राम सभी को। दीपक जी भैया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितने भी युवा जुड़ रहे हैं उनका सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। भागचंद जी, चलो आज का जो लाइव है, TSP जो क्वेश्चन डाला गया है, TSP में EWS का, तो दोस्तों अभी जो TSP का जो इश्यू आ रहा है वो जो वैकेंसी आएगी उसमें मिलेगा। अभी क्या है कि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें अलग है। बिल्कुल संदीप जी, खींच दिया काम को, बिल्कुल खींच देंगे। चलो हम बात कर रहे थे जो लाइव का जो संवाद था वो हमारा, जो क्वेश्चन आज जो हम जो मुद्दे पे बात करेंगे वो 2021 का जो BED की जो भर्ती है उसका कोर्ट में 5 तारीख को क्या होना है। इसके अलावा 2016 गणित विज्ञान को लेके है, 2016 इंग्लिश को लेके है। इसके अलावा नई भर्ती भी आई है आज SI की, उसके बारे में भी है कि नई भर्ती किस प्रकार की, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या उसकी नोटिफिकेशन है और किस प्रकार से आप पात्र हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आज आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ। सूचना सहायक से भी अभी मुझे शंभू जी का भी फ़ोन आया था, सूचना सहायक भर्ती को लेकर आप बोर्ड का गठन हो जाए उसके बाद में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। चलो सभी नमस्कार, सभी को अभिवादन। देखो सबसे पहले 5 तारीख को जो केस की सुनवाई होनी है जोधपुर, वो केस होगा आप लोगों को पता है। हमारी एडवोकेट की पूरी टीम जोधपुर उतर रही है, मैं साथ खुद जोधपुर पहुंचूंगा, मेरी टीम पहुंचेगी, मेरे साथी सदस्य भी पहुंचेंगे, जितने भी युवा साथी जोधपुर से हैं वो जोधपुर भी पहुंचे। लेकिन कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा इस बातों को लेके मैं आपको बताता हूं। जो BSTC के जो युवा साथी है, इन लोगों ने एक ऐसे नेताओं के चक्कर में आ गए, इन्होंने क्या किया, NCT के रूल्स को चैलेंज कर दिया, NCT के अल्ट्रा वाइड्स को ही चैलेंज कर दिया 2018 की भर्ती को लेके। अब सबसे बड़ी बात यह है, फोरम में जो गलती हो गई उसके बारे में मैं बोलूंगा। अब इससे क्या हो गया कि NCT इसका एक पार्टी बन गई है और NCT का वकील हमारे तरफ से काम करेगा, इसके संदर्भ में भी अच्छा काम हो रहा है। तो मेरे दो एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट, इनकी टीम उतरेगी जोधपुर। आरण माथुर साहब उतरेंगे, सुशील जी बिश्नोई उतरेंगे और रघुनंदन जी भी मेरे साथ चलेंगे जोधपुर। जो मैं बात कहना चाह रहा था कि इसमें 5 तारीख को आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, दो प्रकार की बातें हो सकती है। या तो 5 तारीख को बीएड में, बीएड को लेवल प्रथम में शामिल करने के आदेश हो सकते हैं। हालांकि ये भर्ती जो हो रही है इसमें लेवल प्रथम में बीएड वालों को जो बाहर किया गया है, वो जो चैलेंज किया गया है BSTC वालों की तरफ से, सरकार ने जो मिली भगत करके भी एक जैसे सेट किया पूरा, अपनी तरफ से ऐसे याचिकाकर्ता को उतारा है, उनका जवाब दिया है उनका, तो हमारी टीम से भी DB में भी उतर चुकी है, सिंगल बेंच में भी उतर चुकी है। सेम मैटर पे जो ये बहस होगी, इसमें क्या है कि जो बिल्कुल मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा, बात सुने पहले 2021 की भर्ती को लेकर मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं। जो 5 तारीख को होना है, सरकार की तरफ से चाहे AG आए या ना आए, लेकिन हमारी टीम पूरी तैयार है। यदि 5 तारीख को लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल करने की, आदेश करवाने की हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन यह मामला थोड़ा लंबा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारी एडवोकेट की टीम ने कहा है कि हो सकता है याचिकाकर्ता को लाभ दे दिया जाए, तो मैंने आपको पहले ही बोला था आप याचिकाकर्ता जरूर बने, इंडिविजुअल रूप से आप उसमें भागीदारी निभाए ताकि कहीं आपको लेट ना हो जाए। आपको पता है कि बाद में आप फार्म नहीं भर पाएंगे, 4 तारीख लास्ट डेट है कल चलान की, 8 तारीख तक फार्म की डेट है, 5 को कोर्ट से ऑर्डर होता है तो वो याचिकाकर्ता को ऑफलाइन मौका मिलेगा, इस प्रकार की बातें हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है यदि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो ये जो भर्ती है इस भर्ती पर स्टे भी आ सकता है।
देखो हमारी किसी भी प्रकार की कतई प्रकार की मनसा नहीं है कि भर्ती बस सट्टे आए। हम ये चाहते हैं 25 तारीख को एग्जाम हो, और वो लोग जिन लोगों ने गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, सरकार का पक्ष रखा है, सरकार की तरफ से रखा है, और बीएड वालों की तरफ से डम्मी टाइप के कुछ या वकील लोग उतारा है। अरे कितने वकील उतार दोगे? उतार दो जोधपुर और उतार दो 5-10 और उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आप लोग ये सोच रहे थे कि 5 तारीख को इस चीज को डिसाइड करवा के यहां से याचिका दोनों तरफ से खारिज वारिज करवा के बीएड वालों की और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा देंगे। अरे मूर्खो, आप आग से खेल रहे हो, आपको पता नहीं है किस संदर्भ में आप काम कर रहे हो। जिस प्रकार से आपने जो कार्य किया है वो उल्टा पड़ गया आपको। अब हमारे पास 3 एडवोकेट की टीम है, जिनमें एक सीनियर 2 वरिष्ठ है, चौथा हमारा एडवोकेट एनसीटी की तरफ से आएगा, और जरूरत पड़ने पे एक ऐसा तुरुप का इक्का हम निकालेंगे जिसके बारे में आप लोगों को पता है। अब सबसे बड़ी बात, आप लोग तैयार रहे। कई लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लेट ना मत करना दोस्तों, याचिकाकर्ता ही नहीं बन रहे हो। एक नंबर है, अभी कमेंट में आ जाएंगे आपके, जो मुकेश कुमार जी है उनको आप कॉल करें, वो पूरी टीम से तन मन से हम लगे हुए हैं। हमारी टीम इसके बाद में मैं काम कर रहा हूँ, एडवोकेट से मेरी मीटिंग है। मेरी आज इच्छा थी कि आप लोगों से एडवोकेट से रूबरू कराऊं, उनका जो ओपिनियन है वो आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन वर्तमान में हम उस पर काम कर रहे हैं। तो जल्द ही बिल्कुल जितने भी ये जो याचिकाकर्ता हैं, वो जितने भी लोग याचिकाकर्ता बन रहे हैं, अभी ये पिन कर दिया है कमेंट में, जितने भी युवा साथी है उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चिंता ना करें, पूरी टीम काम कर रही है। और आप याचिकाकर्ता ही नहीं बन रहे हैं, आप बीएड वालों की जो पोजीशन है उसको मजबूत कर रहे हैं। कई लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कई लोग हमें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें भी रखेंगे, और वो ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा ना हो। तो आप लोगों को स्पष्ट कहता हूँ, आप साथ आए, आपके साथ आने से हम मजबूत हुए हैं और मजबूत होंगे। हर प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, अरे आ जाओ, कई लोग ऐसे ऐसे एडवोकेट की टीम तैयार कर देंगे जो वहाँ पे पैनल तो खड़ा हो जाएगा कमज़ोर सा, लेकिन वो हमें कमज़ोर साबित करेगा। तो गुमराह होने से बच्चे, बेवजह लोगों के भ्रमित होने से बच्चे, और फर्जी तथाकथित बीएसटीसी नेताओं के भ्रम से बच्चे जो बीएड वालों को गुमराह करता है। वो बार बार ये कहता है ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, हमारा प्रयास सफल हुआ। एक और ध्यान रखें, जितने भी लोग हैं लेवल 2 के वो सारे अपने फार्म भरे। आप सारे लोग बीएड वाले लेवल 2 का ही फार्म भरना है। लेवल 1 का फार्म के लिए आपको कोर्ट आदेश करेगा, आप चिंता ना करें। सारे लेवल 2 का फार्म भरना है आपको। एक ने कमेंट किया आर्यन माथुर पहले भी आ रहे थे, बीएड वाले जीतेंगे भैया, माथुर क्या विषय, विज्ञान साहब माथुर एक पार्टी के चुनाव एक पार्टी में काम कर रहे थे और दोनों आ रहे थे, आपके विज्ञान साहब भी आ रहे थे, ये कोई बात थोड़ी है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें, हम तथ्यों की बात करें, और तथ्य शानदार हैं हमारे पास, तथ्यों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और जितने भी लोगों के नाम जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं 29 तक के लगभग उनके नाम सार्वजनिक हो चुके हैं, और किसी का फॉर्म में गलती हो गई है उनको संशोधन का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे संशय लगता है तो आप फार्म और भर दें, अंतिम फार्म मान्य होता है, उसी के आधार पर काम करें। कई लोगों ने लेवल 1 का लेवल 2 से, धन्यवाद रुपेश जी, कई लोग लेवल 1 और लेवल 2 का फार्म भर दिया है गलती से, उनको लगता है कि शामिल हो जाएंगे हम पहले ही भर दें, नहीं दोस्तों, आपको कोर्ट आदेशित करेगा, उससे पहले नहीं करना है। हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, हमारी पूरी रणनीतियां हैं और हर प्रकार से हम पूरी पहलों पर विचार करते हैं। और सच बात यह है कि आज लाइव का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, और कई लोग जिनके बीएड अपेयरिंग चल रही है वो भी पिटिशनर बन सकते हैं, फार्म डाल सकते हैं, और कई लोग जिनके 45% से कम है, सॉरी 50% से, और कई लोगों के ग्रेजुएशन में 45% से कम है,
वो पिटिशनर बने, अगर 12वीं में उसके ज्यादा नंबर है वो याचिकाकर्ता बने, लेवल प्रथम में वो शामिल हो जाएंगे, लेवल द्वितीय में तो नहीं हो पा रहे हैं लेकिन लेवल प्रथम में हो जाएंगे, आपकी बीएड जाया नहीं होंगे। बहुत सारे अपने पास सवाल है आपके, उन सभी वैधता को लेके आप क्वेश्चन कर रहे हैं नरेश कुमार जी। वैधता में कुलदीप जी बेनीवाल, कुलदीप जी बेनीवाल छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके नाम से 2018 का ऑर्डर हुआ था लेवल सेकंड का, वो उस पर काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, तो आप उनसे संपर्क करें, और उनके नंबर किसी के पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप लोग उनसे संपर्क करें। अगली बार कोशिश करूंगा, 2-3 दिन में कुलदीप जी मुझसे मिलने वाले हैं तो मैं रूबरू होऊंगा तो उनके नंबर पेज पे डाल दूंगा। हाँ, लेवल वन में हर हाल में बीएड वाले बैठेंगे, ऐसी हमारी प्रबल इच्छा भी है, और जैसे हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम बैठेंगे और जीतेंगे भी और नियुक्तियां मिलेंगी। और दूसरा, जो जिसके नाम वाम में कोई गलतियां हैं तो वो चिंता ना करें, शुक्रिया। आगे 2016 गणित विज्ञान को लेके आप कई लोग सवाल कर रहे हैं। देखो, एक ऑर्डर हो चुका है वेटिंग का, एक इसमें पोस्टेड को हटा के कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पोस्टेड भी हटे और वो लोग भी हट जाए जिनकी वजह से वो नियुक्तियां ले चुके हैं, क्योंकि अगर पोस्टेड नहीं हटते, कई लोग कट ऑफ पूछते हैं, ये अगर प्रोसेस से लिस्ट निकलती है तो लगभग जनरल की 70.51 के लगभग, 74.51 के लगभग जनरल को मौका मिलता है, तो इस आधार पे कोई मतलब वाली बात नहीं। हालांकि ये एक हमारी एक टीम काम कर रही थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, उन्होंने बताया, थोड़ा अंदरूनी बात है, ए हार्ट सुस्तंत्र पे अगर जनरल का जो वेटिंग सीधी निकाल दे तो लगभग 74.51 के लगभग नंबर आता है, इससे कई लोगों को फायदा नहीं होता। लेकिन अगर रिसफल आता है और फिर वेटिंग आती है, पोस्टेड हटते हैं जिसके आधार पर हम आदेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार अंतिम पद भरा जाए, तो उससे सभी को फायदा मिलेगा। हाँ, बीएड वालों शामिल होंगे, आप चिंता ना करें। राहुल ढाका जी नमस्कार। हाँ, 2016 इंग्लिश को लेके आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके फेवर में काम होगा। मेरी मुलाकात को लेकर, इसी मुद्दों पे लेके कुछ बहस चल रही है, आगे पीछे हो रहा है, मैं खुद शेड्यूल इस प्रकार से सेट करना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं इस बात को शेड्यूल आप लोगों के सामने रखूँ उस दिन आपको पॉजिटिव रखूँ। जहाँ तक हमें उम्मीद है, SLP वापस लेने की बात चल रही है। शुक्रिया अखिलेश बिरडा जी। हाँ, कई लोगों के पिटिशनर बने हैं, उनको लगता है कि हमारे नाम में करेक्शन होना चाहिए, करेक्शन कम रह गया, कोई नाम में गलतियां हैं, तो उनके एक साथ ही एक वो लग जाएगी, अप्लीकेशन लग जाती है, जितने भी करेक्शन है एक साथ ही उनका क्लियर होके आ जाएगा, तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे नाम में भी पहले दिक्कत थी, कोई पीछे एक याचिका में उसमें भी करेक्शन हुआ था, कोई इश्यू दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ आपका, मैं कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टडी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको नंबर लाने हैं, बाकी टीम मेरी टीम कर रही है। मुकेश जी छिंपा बिल्कुल मेहनती बंदे हैं, बिल्कुल आपने, रमेश जी ने अच्छा लिखा है, और लंकेश जी आप भी तो बहुत मेहनती हो, रमेश जी उर्फ लंकेश जुग जुग जी हो। आज भैया सुनवाई नहीं थी, 5 तारीख को सुनवाई है। कई लोग पेज से नहीं जुड़े होते हैं, मेरे फेसबुक पेज है असलम चौकदार नाम से, कई लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, आप पेज पे जुड़े रहे, हर अपडेट उस पेज पे मिल जाती है असलम चौबदार नाम के, या फिर मेरा ट्विटर अकाउंट है असलम चौबदार 11 पे, आपको वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ। अन्य बहुत सारे युवा साथी हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, वो डाल देते हैं, आप लोग क्या क्या पता कौन से यूट्यूब से मुझे सुनेंगे आगे इन फ्यूचर या सुन रहे हैं, तो आप मेरे पेज से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें और केस नंबर और लिस्ट नंबर सारी अपलोड वहाँ पे मैं डालता रहूँगा, हर चीज़ की अपडेट डालता देता हूँ। अभी मैं क्या है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केस नंबर डालूं, किसका क्या रहेगा क्या रहेगा, हमारा ये है कि हम किस प्रकार से इसको मैनेज कर रहे हैं, हमारी टीम किस प्रकार काम कर रही है, तो उस काम में कर रहा हूँ। अभी मैं लाइव ख़त्म करके एडवोकेट के पास ही जा रहा हूँ, उनसे डिस्कस करना है, क्योंकि कल हमें जोधपुर निकलना है, परसों हमारी जोधपुर की हियरिंग है। आप सभी की शुभकामनाएँ हमारे साथ रहेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और शुक्रिया सभी लोग, आप लोग जुड़े, अभी कट ऑफ का कोई जिक्र ना करें, फार्म लेवल सेकंड का ही भरना है, बीएड वाले शामिल होंगे, पूरी कोशिश है हमारी, और आप सभी का जो प्यार स्नेह मिल रहा है उस पर विश्वास
उसको मैं कायम रखूंगा, पूरी कोशिश मैं अपनी जी जान लगा रखी है। आप लोग थोड़ा और जगा दे, दोस्तों जो लाइव सुन रहे हैं उनको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो बीएडधारी है उनको अनुरोध कर रहा हूँ, जरूर याचिकाकर्ता जरूर बन जाए। आपके पास अंतिम टाइम है, अंतिम टाइम का दौर है। बाद में कई लोग, वो लोग तो ये चाहते हैं कि ये बने नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं बार बार, वो कहते हैं इनको इनके साथ मत जुड़ो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तेरे जाने दो, मैं बोलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत सारी बातें हैं, आप सभी लोग जुड़े उनका बहुत बहुत आभार। बिना बताए आप लाइव आ जाते, बिना सूचना पे आप लाइव जुड़ रहे हैं। आप लोगों को ही हर राज्य के हर बीएडधारी तक, मेरी जो बहनें जो घर बैठे तैयारी कर रही है उन तक मैसेज नहीं है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका भाई कोशिश कर रहा है, स्टे नहीं लूंगा, मेरी पहली हमारी पहली प्राथमिकता ये है। हाँ, उत्तराखंड में बिठा दिया, केवीएस में बिठा दिए, केवीएस में नियुक्तियां दे दी है, उत्तर प्रदेश में दे दी है, मध्य प्रदेश में नियुक्तियां दे दी है। और जिस अल्ट्रावायरस को, जिस रूल्स को इन्होंने चैलेंज किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए नियुक्तियां दी है। आप सभी लोग चिंता ना करें, न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी, सत्य में जीते। जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। मेरी पूरी कोशिश है प्रेमचंद जी सभी को शामिल कराऊं, लेकिन चूकना मत भैया, आपका करियर का सवाल है। जितने भी बीएडधारी, देखो बीएडधारी 1000-1500 लोग याचिकाकर्ता बन जाएंगे, ज्यादा से 2000 बन जाएंगे, और जितने भी याचिकाकर्ता बनेंगे वो मुख्यतः वो नौकरी लगेंगे, क्योंकि आपको पता है वो सुप्रभ होंगे उन चीज में। तो आप सभी को मैं पहले से कह रहा हूं, याचिकाकर्ता बन जाओ, कोई ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर याचिकाकर्ता को मौका मिल गया ना, फिर पछताना ना पड़े, कहीं लेट तक इसका फैसला हो। आप जो जितना लेट करेंगे ना, ये नंबर अभी आपको पिन किए हुए हैं, फिर भी नंबर नहीं है तो लिख लीजिए 80-580-92-646, 80-580-92-646, 92-646। ये मुकेश जी छिंपा के नंबर है हमारे। मैं रात को 3 बजे तक खुद काम कर रहा था, मुकेश जी काम कर रहे थे, दोस्तों 11 बजे उठा सुबह। आप सभी लोगों ने बहुत सारे कॉल किए थे हमारे, वो मैटर नहीं कर रहा कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ, काम जरूरी है। अब आप लोग सभी को जगा दें, अच्छा काम करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बिल्कुल 2016 की प्रतीक्षा सूची से मैं खुद जुड़ा हूँ, मुझे पता है उन चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बोलने दे भ्रमित करने वाले विज्ञापन, और बरसाती मेंढक बहुत सारे घूम रहे हैं, तो उन चीज़ों में बोलना नहीं चाहता। आप लोग काम करें, अपने तरीके से काम करने दे, और अवश्य सफल होऊंगा। कई लोगों को करारा जवाब देने का वक्त है, वो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।